अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नवीद है। मैं यूट्यूब पे दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ और एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह, जिस पे मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। एंड दैट सीरीज़ विल बी अबाउट क्लाइंट स्टोरीज़। मैं डेली कोशिश किया करूँगा अपनी किसी ना किसी फ्रीलांसिंग या क्लाइंट के बारे में आपको बताऊँ। कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई फेलियर स्टोरी हो सकती है कि क्लाइंट के साथ काम चला नहीं चला, अच्छे पैसे है बुरे पैसे है, जो भी उसके बारे में बातचीत किया करूँगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं हर दिन कोई ना कोई स्टोरी आपको बता सकता हूँ। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कल रात 2:30 बजे मुझे क्लाइंट के का मैसेज आया और मैं ऑलमोस्ट उस वक्त सोने वाला था। तो उसने मुझे कहा जी कि ये मुझे कुछ एडिट्स चाहिए एक फ़ोटो के अंदर, बेसिक सा काम था। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरा बेसिक पैकेज ऑर्डर कर दो जिसकी कॉस्ट $40 है। उसने $40 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसने कहा मुझे ये आज ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी सोने लगा हूँ, कोई 10-12 घंटों में तुम्हें ये डिलीवर कर दूंगा, फर्स्ट थिंग सुबह करूँगा। उसने कहा ठीक है। तो मैं सुबह उठा हूँ कोई 12:30 बजे, तो मेरी टीम में एक डिज़ाइनर काम करते हैं, बड़े अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिएटिव आर्टिस्ट और इलस्ट्रेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने कहा यार ये वाला पर्टिकुलर फॉन्ट आपको पता है कौन सा है नवीद भाई? मैंने कहा यार ये स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा ये मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है उसका है। मैंने कहा ये सेम प्रोजेक्ट मुझे भी क्लाइंट ने दिया, कहीं ये वाला क्लाइंट तो नहीं? उसने कहा यही वाला क्लाइंट है। मैंने कहा यार ये तो बैड सीन है, अब ये ना हो कि अगर मैं करूं तो तुम्हारा कैंसिल कर दे, तुम करो तो मेरा कैंसिल कर दे। सो हम दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों डिलीवर करेंगे। तो फनी स्टोरी, हम दोनों ने वो करके डिलीवर कर दिया और बाद में कोई 2 घंटों के बाद उसने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब रिजर्वेशंस तो बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, किसी एक का कैंसिल कर देगा, पैसे लेके भाग जाएगा, क्या करेगा, या क्लाइंट रियल भी है या नहीं है। लेकिन क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी थी और मुझे होप थी कि कोई बंदा जो है ना वो अच्छा ही होगा, कुछ कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा खैर, उसने दोनों को अप्रूव कर दिया, किसी को भी रिव्यू नहीं दिया और हम दोनों ही हैरान थे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो ये थी कि आज की शॉर्ट सी स्टोरी। कल इंशाल्लाह कोई और स्टोरी सुनाएंगे। इससे क्या सीखा हमने? कुछ भी नहीं सीखा इससे। इससे बेसिकली एक बात तो ये सीखी कि कभी आपको लगे कि क्लाइंट फिशी है तो ज़रूरी नहीं कि वो फिशी हो। इसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं उसने 2 लोगों से ऑर्डर किया। पहली रीज़न ये कि हो सकता है कि वो मल्टीपल ऑप्शंस चाहता था कि 2 लोगों से ऑर्डर कर लेता हूँ, डिफरेंट स्किल के लोग, क्योंकि जो दूसरा जिस डिज़ाइनर को उसने ऑर्डर किया, जो मेरी टीम में काम करते हैं, उनका मेरे से रीसेंट है प्रोफाइल और उनका रेट भी कम है। उन्होंने $15 में वो काम किया, वही काम मैंने $40 में किया। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है कि उसने कहा कि 2 लोगों की प्राइस चेक कर लेता हूँ, देखते हैं कि फ्यूचर में अगर दोनों ने सेम क्वालिटी का काम दिया तो 15 वाले को काम दे दिया करूँगा मैं। दूसरी रीज़न हो सकती है कि वो उसको जल्दी थी और क्योंकि मेरे डिज़ाइनर ने उसको 3 घंटों की कोट दी कि मैं 3 घंटों में कर दूंगा और उसको मैंने कोट दी 12 घंटों की। उसने दिन में उसके साथ दिन में प्रोजेक्ट लिया, मैंने उससे रात में प्रोजेक्ट ले लिया था, तो उसने 3 घंटों में किया, मैंने 12 घंटों में किया। मेरे 12 घंटे और 3 घंटे उसके अलाइन हो गए क्योंकि उसको 3 घंटों में ही काम मिल गया था, उसी दिन में मिला, और मुझे रात को मिला था तो मैंने तो दिन में डिलीवर करना था। तो शायद उसको ज़्यादा जल्दी थी इसलिए उसने 2 लोगों से ऑर्डर कर दिया कि जिसका भी पहले आ गया उसका यूज़ कर लूँगा। दूसरी रीज़न ये हो सकती है। तीसरी रीज़न शायद वो कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहा हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि फाइवर पे आप दो मल्टीपल प्राइसेस वाले लोगों को जब हायर करते हैं तो क्या होता है। बट जो भी है, हम दोनों को पैसे मिल गए एंड यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। इंशाल्लाह कल कोई नई स्टोरी लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।